जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी शेख मोहसिन अली फ्रॉम उस्ताद शेख तारिक पिजन सेल क्लब। सबसे पहले जुमा मुबारक सबको। आई विश के आप, आपके घर वाले सब ठीक ठाक होंगे। जो जो लोग अभी यहाँ पे हैं जल्दी से ऑनलाइन आ जाएं। वैसे नॉर्मली इस टाइम तक मैं ऑनलाइन नहीं आता, आज क्योंकि सेल कोटिंग्स का शौक करवाना है और इसलिए मेरा दिल था कि मैं अभी इस टाइम धूप में आपको शो करूँ। तो लेट्स सी सियालकोट इज। आज आपको माशाल्लाह से तीनों तरह के बटेरे कबूतर दिखाते हैं, काफ़ी सारे किस्म के बटेरे हैं। आज इंशाल्लाह आपको शो करवाते हैं इनमें से, काफ़ी सारे तो नहीं लेकिन एक एक पीस हर डिफरेंट टाइप के बटेरों का। मैं अगले ज़्यादा देर कुछ ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि थोड़ी सी अजानें हो रही हैं, तो टॉक समेट सिर्फ जो अपने रीज़न की ख़त्म हो जाए अजान, तो फिर मैं थोड़ा सा आपको डिटेल बताऊँगा। इतनी देर आप शौक करें। ये 35 वाली बड़ी फीमेल है जी आपके सामने। ये बड़ा 35 वाला कबूतर है। ये जी 35 वाली पट्टी देखें, ये 35 वाली पट्टी है जी। इसका बाप जो है वो लाहौर जा चुका है और माँ इसकी पिंडी जा चुकी है, जो आपने पट्टी देखी है। थैंक यू समी वाला गुजर फॉर योर लाइक एंड कमेंट्स जी। जी साथ साथ जो लोग देख रहे हैं इसको शेयर भी करें ताकि और सारे ज़्यादा सारे लोग ऐड हो जाए। इसके बाद मैं आपको इंशाल्लाह छोटे मोटे टिप्स भी बताऊंगा, ज़्यादा नहीं छोटी मोटी टिप्स भी बताऊंगा अबाउट पिजन्स, उनको रूटीन में क्या चीज़ें ऐड एक्स्ट्रा दाने के अलावा आप दें, तो वो भी मैं आपको थोड़ी बहुत बताऊंगा। वैसे नॉर्मल मैं बताता रहता हूँ लेकिन जो नए लोग हैं उनके लिए। वालेकुम अस्सलाम सैयद रज़ा, आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू? औरंग गुप्ता, थैंक यू डियर, थैंक यू फॉर योर। मोहम्मद मूसा, बार बार रिक्वेस्ट है ना भेजो वीडियो की बेटा, मैं आपको ऑनलाइन नहीं ले सकता, तो मैं ना मेरा मूड है आपको ऑनलाइन लेने का, और बार बार आप रिक्वेस्ट भी मत भेजें तो बड़ी मेहरबानी होगी।
आपको हर एंगल से इसी बहाने थोड़ा सा शौक हो जाएगा और आज आपसे थोड़ी सी गपशप भी हो जाएगी इसी बहाने, 35 वाले बटेरों के बहाने। 35 वाले इसमें जो वीडियो में इन सब कबूतरों में 3 पीस हैं, बाकी सारे बटेरे हैं। ये देखें पट्टी तरह, थैंक यू विकास, हैदर, मोहम्मद रफीक, थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू वॉचिंग नकी। विकास थैंक यू फॉर योर कमेंट। और जो लोग देख रहे हैं और वो शेयर भी करें, ठीक है, ताकि इसी बहाने अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो वो भी शो कर लेंगे, ठीक है, तो और लोग भी ऐड हो जाएंगे। ये पीक आवर्स नहीं है, मुझे पता है इस टाइम बड़े कम लोग ऑनलाइन होते हैं, लेकिन मैं क्योंकि सियालकोट का आपको सबको पता है कि जो शौक होता है वो दिन को ही करने का मज़ा आता है, तो दैट्स व्हाई। ये बड़ा 35 वाला पेड़ है जी, ये बिल्कुल साथ आगे पीछे खड़ा हो गया, इनका शौक करें, बहुत डार्क आइज है। थैंक यू अली रजा फॉर योर कमेंट। जी कीप शेयरिंग। और ये देखें जी, पूरा एक कलेक्शन बन गई है, ये सब बटेरे माशाल्लाह से एक लाइन में ये जो सारे खड़े हुए हैं, ठीक है, तो इनमें आईज में भी फ़र्क है, कलर में भी थोड़ा थोड़ा फ़र्क है, और ये तकरीबन ऑलमोस्ट सारे ही बटेरे हैं। थैंक यू माशाल्लाह, व्यूवरशिप काफ़ी इंक्रीज हो रही है, तो जल्दी से जल्दी ये जो लोग देख भी रहे हैं जल्दी से ज़रा से लाइक भी करें और शेयर आउट भी करें, ताकि मैं अगले 5-10 मिनट भी आपको शो कराऊँ। एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको छोटी सी टिप्स भी दूंगा, जो जो नए कबूतरबाज हैं, जो पुराने वो तो माशाल्लाह अपने वो तरीके से रखते हैं और उनके कबूतर फिट हैं, जो नए लोग हैं उनके लिए मैं ज़रूर टिप्स एक दूँगा, छोटे मोटे टिप्स दूंगा जिससे आप कबूतर ज़बरदस्त फिट रहेंगे और आपको कोई ज़्यादा टेंशन नहीं होगी, ठीक है, सिर्फ हाली वैक्सीन कर लेना या अच्छे कबूतर ले लेना ही लेके काम ख़त्म नहीं हो जाता, टीका लगाने से पूरी उनकी केयर करनी पड़ती है, उनको विटामिन्स की ज़रूरत होती है, उनको नेचुरल चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो वो भी साथ साथ आप यूज़ आप लोगों को करवाना चाहिए, तो इससे आपका कबूतर काफ़ी सारा फिट रहता है और ज़्यादा आपको टेंशन भी नहीं होती, और इसी तरह से आप यूज़ कराते हैं विटामिन और वो कैल्शियम वगैरह, तो आपके कबूतर कबूतरी अंडों से और उससे बंद भी नहीं होते। ठीक है जी, आज मैं क्योंकि अकेला हूँ नहीं, तो मैं आपके उनका पर का और आई क्लोजअप भी दिखाता, लेकिन अभी मैं कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये देखें जरा, तो और कमर साहब थैंक यू, शोदी मकसूद अकरम साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, जुनेद खान थैंक यू डियर फॉर योर कमेंट, एंड नासिर अहमद थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट,
ये वाइट आइज़ में है, ये देखें ये वाइट आइज़ में है, ये डार्क आइज़ में है। अब इनकी अगर आप टेक्सचर में देखें तो ऑलमोस्ट सेम है, माथा ऑलमोस्ट दोनों का वाइट है, सब कुछ सही है, लेकिन आइज़ का कलर डिफरेंट है, ठीक है। लेकिन पाँव का कलर चेक करें इसका, ये थोड़ा अब एक्चुअली कोई साथ मेरे होता तो मैं डेफिनेटली आपको इनको परों का और आइज व्यूज़ देता और जहाँ पे आपको ज़्यादा इंजॉय कर सकते, अभी से ज़्यादा वहाँ इंजॉय कर सकते तो, लेकिन अब कोई मैं अकेला हूँ तो आपको ऐसा गुजारा करना पड़ेगा। लेकिन जो ओरिजिनल कबूतर होते हैं वो हर वो देख के समझ आ जाते हैं, ऐसे ही दूर से ही देख के समझ आ जाते हैं जिनको समझ आनी है। क्यों रजा भाई, ठीक है, और मेरे कई सारे दोस्त और कस्टमर्स कहते हैं आप ज़्यादा ऑनलाइन नहीं रहते या ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं करते। अगर पहले ही माशाल्लाह हमारे पूरे वर्ल्ड वाइडली इतने कस्टमर्स हैं, ठीक है, तो फिर ऐसे होता है कि डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है तो हम क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते, ये सबको पता है। हम 4 साल से हैं यहाँ पर तो सबको पता है कि हम क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते, तो इसलिए हम ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं करते कि जितनी ज़्यादा करेंगे तो फिर उतनी ज़्यादा डिमांड्स आएंगी, कस्टमर ज़्यादा होंगे। तो ऑलरेडी हमारे जो पूरे पाकिस्तान में कस्टमर्स हैं वो 2700 है, 2700 और प्लस ऑन वेटिंग 1300 से ज़्यादा है, तो इसलिए भी ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं करते और इतनी ज़्यादा प्रमोशन नहीं करते और इतनी ज़्यादा अजीब सी लोगों की तरह कन्वर्सेशन नहीं करते जिसका सर पैर ना हो, तो इसलिए क्योंकि ये करने का फ़ायदा भी नहीं है क्योंकि फिर लोग ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं तो वो फिर डिमांड तो ज़ाहरी बात अच्छे कबूतर इन्वेंट करना आजकल के दौर में ये भी बड़ी मुश्किल काम है। तो हैरानी हो इसके लिए भी मैं थोड़ा सा, मैंने कहा चलो मैं ये भी थोड़ा सा क्लियर कर दूँ। तो जो लोग ये कहते हैं कि अब ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं करते तो, लेकिन हमारा ज़्यादा फेसबुक पे भी नहीं कुछ चीज़ें अपलोड करते तो वो इसलिए भी नहीं करते कि हमारे सारे कस्टमर्स व्हाट्सएप पे हैं, ठीक है, तो वो सबसे पहले उनको हम सेंड आउट कर देते हैं। और अभी जल्दी से मैं आपको थोड़ी सी एक दो छोटी सी टिप्स दूंगा, अभी टाइम हो गया जी ऑनलाइन हुए हुए हमें कोई 5-7 मिनट हो ही गए होंगे, तो और 3-4 मिनट आप इनका शौक करें, ठीक है, तो देन उसके बाद मैं आपको, ठीक है, दिखाऊंगा। सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, ये एक्चुअली कबूतर हैं माशाल्लाह इतने तेज़ हैं कि ये हाथ भी नहीं लगाने देते तो इसलिए भी प्रॉब्लम। ये हाथ भी नहीं लगाने देते। वेलकम राजा हरून फॉर योर वॉचिंग, थैंक यू हसनैन माविया फॉर योर कमेंट, थैंक यू अली रजा भाई अगेन, थैंक यू सो मच। तो थैंक यू राजा हरून फ्रॉम डेनमार्क फॉर योर कमेंट, आई विश के डेनमार्क में सब ठीक ठाक होंगे। रिजवान गुजर साहब थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट फॉर योर लाइक, जो जो लोग इसको शेयर करना चाहें वो शेयर भी करें ताकि और लोग भी ये देख सकें। ये थोड़े से डिफरेंट तरह के डिफरेंट कबूतर हैं, ठीक है, तो जिनको लगे मैं सही कह रहा हूँ तो वो उसको ज़रूर शेयर करें, जिनको नहीं लगे तो खड़े ही ना करें, उनकी मर्ज़ी है। थैंक यू शान अनवर फॉर योर कमेंट फॉर योर लाइक, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा कबूतर इसलिए भी नहीं दिखाए क्योंकि फिर यहाँ पे इतने ही अच्छे लगते हैं। थैंक यू सैयद अली रजा अब्बास फॉर योर अप्रिसिएशन, और ये आपकी अप्रिसिएशन ही है जहाँ हम जस्ट मैंने
जहाँ तक हम एक प्रॉपर जिसको कहते हैं ऐसे, मैंने पिक्चर्स अपलोड करी थी जो फर्स्ट टाइम मैंने की थी, और अब पाकिस्तान का मोस्ट पॉपुलर नेटवर्क है कि किसी जो जितने भी ये सेल पॉइंट वाले हैं, जितने भी हैं, मैं किसी का नाम बिल्कुल भी नहीं लेता, जो ये कहते हैं हम इंडिया से इंपोर्ट करते हैं कबूतर, उनके भी मोस्टली कबूतर मेरे से गए हुए हैं, ठीक है, मैं किसी का नाम नहीं लेता, ठीक है, तो अच्छा भी नहीं लगता नाम लेना, उन्होंने मेरे से परचेज़ किए हैं, मैंने कोई फ्री के नहीं दिए, लेकिन जहाँ से कोई चीज़ आई हो वहीं की बतानी चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए कि वो इंडिया से आए थे। तो ऐसे भी माशाल्लाह लोग पाकिस्तान में हैं जो ये भी कहते हैं। और हाँ, एक और भी चीज़ बता दूं कि ये सिर्फ उस्ताद शेख तारिक पिजन सेल क्लब ही है जिसकी अपलोड्स में 6,000 से ज़्यादा पिक्चर्स लगी हुई हैं, वो भी सिर्फ अपनी, हमारी के लोगों की तरह हम लोगों की पिक्चर्स नहीं लगाते और कहते हैं हमारे, हमारे अपने कबूतरों की 6,000 से ज़्यादा अपलोड हैं फेसबुक पे, ठीक है, तो जो हमारे पर्सनल अपने कबूतर हैं, किसी के नहीं, ठीक है। ओए साले रुक जाओ, ये आप देख सकते हैं जी कबूतर, असल में ये तेज ही बहुत कबूतर हैं, प्रॉब्लम इनका ये है, ठीक है। आपको एक और फीमेल दिखाते हैं जी, ये फीमेल थी, अभी नीचे थी, मैंने इसको ऊपर ऐड किया, ठीक है, तो बड़े 35 वाले का मैं आपको आई क्लोजअप दिखाता हूँ, वो ये दिखा दो भाई, वो ये देख लें आपके सामने ये कबूतर क्या कर रहा है, धूप का एंगल ये है, तो कहाँ से आएगी ये देखें, ये यहाँ पे आपको आइज नज़र आएगी, ये इतने माशाल्लाह इनब्रीड हो चुके हैं कि इनके साथ जो भी आप डालें, जो भी कबूतर आप इनके साथ डालेंगे, नॉर्मली कोई कबूतर डाल दें देसी सा भी, तब ये 35 साल ही प्रोड्यूस करेगा आगे से, ये इतना इनब्रीड हो चुका हुआ है, ये देखें। जो भी ये कहते हैं कि इस साइज़ के ओरिजिनल बटेरे होते हैं, इस साइज़ के ओरिजिनल होते हैं, मैं उनके लिए सिर्फ इसी बहाने, मैंने कुछ कहा नहीं, उनको भी ये मैसेज मिल जाएगा कि आंखों से कोई बटेरा नहीं होता, आंखों का कलर डजेंट मैटर, मैं हमेशा से ये कहता हूँ, लेकिन हमारे नेट पे लोगों ने एक्चुअली जहाँ पे बेहतरी होती है, जहाँ पे लोगों को जोड़े लगाने का थोड़ा अंदाज़ा होता है, अच्छे कबूतर की पहचान होती है, वहाँ इस तरह से हम महरूम हो जाते हैं कि हम ओरिजिनल ढूंढने के चक्कर में अच्छे कबूतरों को बहुत सारा मिस कर जाते हैं, कि मतलब हम एक्चुअली हमने देखा था कि ये उसका कबूतर था, इतना ओरिजिनल था, ठीक है, लेकिन हम वो इस चीज़ इसलिए मिस कर जाते हैं कि देखें, एग्जांपल मैं आपको बताऊं, इधर एग्जांपल बताता हूँ, जो लोग कहते हैं और सब स्पेसिफिकेशन वाले लोग कहते हैं कि जो ब्रीक पलक के कबूतर होते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, ठीक है, जिनकी पलकें ब्रीक होती हैं, आँख जो होती है वो शाइन वाली होती है, तो लेकिन मैं आपको रियल बता दूं कि जो ओरिजिनल कबूतर प्रोड्यूस करते हैं, जो ओरिजिनल कबूतर हैं, उनकी पलकें भी मोटी होती हैं, ठीक है, मतलब हैवी होती हैं, और उनकी आँख में शाइन भी कम होती है, तो वो क्यों, इस वजह से कि वो आपस में लग के इनब्रीड हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन आपको चाहिए भी ओरिजिनल है, लेकिन ये कॉन्ट्रडिक्शन जो शिकारी है ना दो तरह के, एक्चुअली हमारे कबूतरबाजी भी थोड़ी डिवाइड हो गई है, कराची की डिफरेंट हो गई है, वो अमृतसर और वो कुछ ऐसी ब्रीडों में एक्सपर्ट हो गए हैं, ठीक है, फ़कीर गुल टाइप की, तो वो और सियालकोट में चले जाएं अली वाले बटेरे की एक तादाद लोगों के पास पड़े हुए हैं, ठीक है, तो और लाहौर में टैडियों की बरसात है, ठीक, और कसूर में कमकरों की बरसात है, तो हमारी कबूतरबाजी कन्फ्यूज नए बंदों के लिए बड़ी कन्फ्यूज़ कर देते हैं, और नए क्या, वैसे भी नॉर्मली बात तो ये है कि जो जितना मर्जी बड़ा कबूतरबाज हो, जितना बड़ा उस्ताद हो, उसका 30% उसका एक्सपीरियंस या उसकी समझ काउंट करती है, अदरवाइज 70% अल्लाह पे डिपेंड होता है, अगर ये को कहे कि इतना बड़ा उस्ताद है कि वो पेड़ लगाएगा और उसका 110% रिजल्ट हो, फिर लोगों ने एक से लेकर 10 तक जोड़े रखे होते, ये 200 300 वाला जो आजकल जोड़ों का ट्रेंड निकला हुआ ये कभी भी ना होता, ठीक है, क्योंकि
क्योंकि जो हम कंफ्यूज हो चुके हैं, हमें बेसिक्स जो होती हैं कबूतर की वो हमें किसी को पता ज़रूर है, लेकिन हम खुद कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं यार कि वो अगला बंदा देखने आएगा तो वो ये बोलेगा ये क्रॉस में। तो ये जो उड़ाने वाला शौक करते हैं उनकी कबूतरबाजी में ओरिजिनल और क्रॉस का कॉन्सेप्ट ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि असल कबूतरबाज जो जहाँ से ये आप कहते हैं ओरिजिनल है, जैसे टैडी को ही ले लें, अगर वो ही ये ड्रामे करते रहते बड़े उस्ताद तो फिर आज उनके टैडी भी कभी भी ना बनते। मैं सीरियसली लिख के बता देता हूँ कि कोई भी नई ब्रीड ये इन्वेंट ही ना होती, कि अगर वो ही ये कहते रहते कि वो कौन कहेगा ये ओरिजिनल नहीं है ये क्रॉस नहीं है। जो कबूतरबाज होता है वो खुद कबूतर का कलर और कबूतर की आँख का कलर वो खुद बनाता है, ये ध्यान में रखें। अगर वो ये कुछ नहीं कर सकता तो वो फिर ये क्या इस पर घंटा घंटा डिबेट करता रहता है ये ओरिजिनल है ये दो नंबर है, तो फिर उसका अल्लाह ही हाफिज़ है, मैं उसका कुछ भी नहीं कह सकता। माशाल्लाह फेसबुक पे बड़ी अवेयरनेस हो गई है, लेकिन इसी में जो जो अच्छे कबूतरबाज थे ग्रास रूट के उनकी भी तबाही मार दी है उन्होंने ओरिजिनल और दो नंबर की ये बातें कर करके, क्योंकि ये ना किसी को समझ आए और ना ये ड्रामेबाजी ख़त्म हो, क्योंकि ये लोग आपस में लगा लगा के इनब्रीड कर देते हैं कबूतरों को और ये कहते हैं फिर ये ओरिजिनल है, फिर इनको क्रॉसों में डालो फिर रिजल्ट आएगा और फिर ये ड्रामे होंगे। वो मैं तो देख देख के लोगों की बातें में बड़ा हंसता हूँ और मुझे दुख भी होता है, और फिर जो इन बातों में आके कबूतर इतने इतने महंगे 50,000 के परचेज करते हैं लाख रुपये का पेयर, और ये सियालकोट में तो ये रेगुलर चीज़ें हो रही हैं और बहर सियालकोट में नहीं हर जगह ही हो रही हैं, कराची में तो ऐसे शहजादे लोग भी हैं जो 50,000 के 60,000 के बच्चे भी सेल आउट करते हैं, ठीक है, और ये भी कहते हैं कि इंडिया से आए हैं तो ठीक कहते होंगे, लेकिन बात तो ये है कि सच बोलना चाहिए, ठीक है। तो हमारे कबूतर हमारे घर का कोई इसमें कोई कबूतर नहीं है, हमारे सब हर डिफरेंट लोगों के घरों से आते हैं कबूतर, ठीक है, लेकिन हम अपनी समझ से लेके आते हैं, ठीक है, और रिजल्ट देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ जाते हैं वो वहाँ पर रिजल्ट है और अल्लाह का शुक्र है हमारा नाम इसी वजह से, दैट्स वाई वी आर पाकिस्तान मोस्ट पॉपुलर नेटवर्क, ठीक है। तो अब जो लोग ओरिजिनलिटी में पड़ गए हैं वो फेसबुक पे ये तस्वीर देखी थी तो वो ये ऐसे हो गया तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। मैं उनका अभी भी लिख के बता देता हूँ, कबूतरबाज वही है जिसने जोड़ा लगाया और जोड़े को बच्चे को उड़ा के नीचे बैठ के बच्चे को उड़ाया और घर बिठाया, वही सीख सकता है जोड़ा लगाना और वही बता सकता है कि ओरिजिनल दो नंबर का है। हमारे मोस्टली कबूतरबाजों ने आगे बंदे रखे होते हैं तो वो जोड़ा लगाना फिर आगे से वो एक बड़ी डिफरेंट चीज़ है मेरे समझ से। तो मैं तो इस पर कुछ भी नहीं कह सकता, मैं तो बड़ा कंफ्यूज होता हूँ। कबूतर को नीचे एक बच्चे उड़ा दिए हैं और बैठे खुद आप पता नहीं किधर हैं, और फिर बाद में जब आपका जोड़ा कुछ अच्छा उड़ जाता है तो आप उसको फिर गौर से देखते हैं कि पता नहीं इसमें क्या था कि बच्चा उड़ गया। मोस्टली उस्ताद और दोस्त ऐसे ही हैं, ठीक है, मोस्टली जो हर किसी का तो नहीं मैं कहता तो, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे ही हैं। ये देखें नीचे से उड़ के एक आ गया चूहा बच्चा, लेकिन ज़रा छोटा रह गया था, ठीक है, तो चले इसका भी शौक कर लें। तो मैं हाँ एक भाई ने कमेंट किया, मैं आज थोड़ी लंबा लेक्चर हो गया, मैं देना नहीं चाहता था, मैं वो बातें कर रहा हूँ, मैं किसी को डिग्रेड या कुछ करने के मूड बिल्कुल भी नहीं हूँ, सारे माशाल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं, लेकिन सिर्फ ये मैं कहना चाहता हूँ कि जो ओरिजिनलिटी और डिसओरिजिनलिटी और ये एक नंबर और दो नंबर ये छः नंबर ये ऑल फक ऑफ, ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ दो नंबर ही है, कोई ओरिजिनलिटी कोई दो नंबर वाला कोई हिसाब नहीं होता। एक कबूतर की स्पेसिफिकेशन होती है, चार पांच निशानियां होती हैं, अगर आपको वो पता है, ठीक है, तो वो आप कोई भी ब्रीड बना सकते हैं जिनका रिजल्ट हो। और वो लोग ऐसे भी होते हैं कि कहते हैं हम लोगों ने ओरिजिनल बनाने हैं, हमें क्या लगे इनका रिजल्ट है नहीं है, तो वो ओरिजिनल कहाँ के हुए भाई जो जिनका रिजल्ट नहीं होता। रिजल्ट जिसका बच्चे उड़ाने में रिजल्ट है वही ओरिजिनल है, ठीक है, इसी को मेकिंग कहते हैं, ठीक है। अगर ये आजकल के दौर के जो एक्सपर्ट लोग हैं ये पिछले दौरों में होते हैं तो शायद हम ये जो कबूतर हमारे पास अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं या मिल जाते हैं हमें ये भी ना मिलते। अगर उनका ये कंसेप्ट होता कि हमने ओरिजिनल प्रोड्यूस करने हैं, हमने क्रॉस क्या करने हैं, ठीक है, और ये क्रॉस है तो ऐसे वैसे, तो वो फिर हमारे ये जो आजकल माशाल्लाह हमारे अच्छे कबूतरबाजों ने अच्छे कबूतर बनाए ये भी ना बनते, वो भी इन ब्रीड हुए होते और वो पता नहीं क्या 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 होता। और एक बंदे ने पूछा जोड़ा कैसे लगाते हैं, आपके पास जो अच्छे कबूतर हैं उसकी पहले निशानियां देख लें, जिन कबूतरों की मदर ब्रीड एक हो उनकी आगे से नस्लें भले ही लादा हो, जैसे काले मुंह वाले हो गए, ठीक है, और 35 वाले, इनकी मदर ब्रीड एक ही है,
इनको आपस में यूटिलाइज करें, आपके नए कलर इन्वेंट होगा और बल्कि खूबसूरती और बढ़ेंगी। अली वाले जो कबूतर हैं वो उनको 35 वालों में डालें, बटेनों में डालें, इनमें आपस में क्रॉस कराते रहें, आपका नया से नया कलर बनता रहेगा। अगर हाँ ये कोई करे, अगर बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई कोशिश करे कि गोल्डन के साथ कोई 35 वाली लगा दे, तो वो ओरिजिनल के साथ नहीं हो सकता रिजल्ट उसका अच्छा है, वो आएगा उसी में अच्छा रिजल्ट जो क्रॉस में आगे से 35 वाली कबूतरी होगी। तो वो लोग अक्सर मुझे एक, मैं कल लाहौर एक जगह पे था, कल नहीं कुछ दिन पहले, तो मुझे कहता है कि एक आप कभी चूहे के साथ गोल्डन के साथ लगाएं, तो मैं उसकी बात पे सुन के एक दफ़ा हंसा भी, फिर उसको डिटेल बताई क्योंकि उसको ज़्यादा नहीं पता था, हाली चूहे का नाम सुना था। लेकिन मैं अक्सर मैं लाहौर के लोगों को जानता हूँ जिनको सियालकोटी बीड्स की इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, वो बटेरे को 35 वाले कह रहे होते हैं और 35 वाले को कहीं बटेरे कह रहे होते हैं, लेकिन ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनको रिंगों की अंदर की इनकी जो गेम होती है वो थोड़ी सी समझ नहीं आती। जिस तरह से कई सियालकोट में लोग हैं उनको बांके फिरोजपुरियों की कोई इतनी समझ नहीं आती, तो ये कोई एक कंट्रडिक्शन होती है एरिया पैसिफिक। लेकिन अगर कोई अच्छा उस्ताद किसी का है और उसने सिखाया हुआ कि ये ब्रीडें, ये पर और ये दुम और ये जोड़ और इस तरह की नोक और ये सब कुछ हो, तो आप पैर लगाएं तो आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो ये कोई बड़ी स्पेसिफिकेशन नहीं है, ब्रीड बनाना और उसको इन ब्रीड ना होने का यही होता है कि जो इनकी मदर ब्रीड है उनको आपस में आप यूटिलाइज करते रहें, तो आपके कबूतर इन ब्रीड भी नहीं होंगे और नया से नया कलर भी बनता रहेगा, ठीक है। तो आज तो खैर वैसे मैंने बड़ी सारी स्पीच कर दी, लेकिन जब आप लोग होते हैं और मुझे देख के अच्छा भी लग रहा होता है कि चले इसी बहाने शायद मेरा कोई मैसेज पहुंच जाए और शायद कोई लोग जो थोड़े सोच रहे थे गलत वो बेहतर सोचें, तो ये मेरा आंसर हो, इसलिए मैं थोड़ा सा ये इस कॉज के लिए करता हूँ। तो अभी 2 मिनट के लिए आपको मैं जो नए कबूतर बाद हैं, जो पुराने हैं उनको तो नहीं, जो नए हैं उनके लिए एक छोटे से 1-2 विटामिन जो है वो आपको दिखाऊंगा बताऊंगा, उसके बाद से फिर थोड़ा सा करूंगा। हैं जी, ये है मेटावेट, मैं फिर बता रहा हूँ, लोगों को पता है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ बहुत इफेक्टिव है। जो मादियाँ आपकी अंडों से बंद हो जाती हैं कमरों में रह के, धूप नहीं लगती और विटामिन की कमी हो जाती है, तो उनको ये डेफिनेटली यूज़ करवाएं, दिस इज बहुत इफेक्टिव है। ये देखिए खुला हुआ है, मैं खुद यूज़ करवाता हूँ, मैं वो आपको चीज़ बताता हूँ जो मैंने खुद यूज़ कराई हुई है, लोगों की तरह वो मैं आपको कोई भी चीज़ नहीं बताऊँगा जो मैंने खुद यूज़ ना करवाई हो। ये है मेल्टोन सुपर, ठीक है, ये देख लें, ये इसकी प्राइस जो ऊपर लिखी हुई है वो तकरीबन 250 रुपये लिखी हुई है, लेकिन ये आपको 150 रुपये तक मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो छोटे छोटे जो कबूतरबाज हैं जो इतने ज़्यादा बड़े नहीं हैं, जो अभी भी कन्वर्ट हुए हैं कबूतरबाजी में आए हैं, उनके लिए ये मेटावेट सुपर है, ठीक है। तो वो जो बड़े कबूतरबाज हैं वो बाहर इम्पोर्ट भी कर लेते हैं और अच्छे जर्मनी के होते हैं, लेकिन ये भी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो प्रिक्स कंपनी का 150 रुपये का आपको ये भी मिलेगा, 150 रुपये का। तो ये रेगुलर कबूतरों को यूज़ करवाते रहे, मैं पहले भी बता चुका हूँ फिर बता रहा हूँ क्योंकि ये मैं यूज़ करवाता हूँ, तो इस वजह से मैंने आपको फिर अगेन एंड अगेन बता दिया कि ताकि आपको परफेक्ट जो लोग नए देख रहे हैं उनको फ़ायदा हो। और एक और जो ये जो सीज़न आ गया डीवॉर्मिंग का, जो लोग इस टाइम तक जिन्होंने अपने कबूतर डीवॉर्म नहीं किए हुए, जिन्होंने अपने कबूतरों को कीड़े नहीं मरवाए हुए पेट के, तो उनके लिए ये एक सबसे अच्छा सिरप है, ठीक है, ये यूज़ करवाएं, ठीक है। ऑक्साफेक्स जो लोगों को बेहतर पता है, लेकिन मैं थोड़े से आपको रूटीन बता दूं जो उड़ाने वाले हैं और जो नए शिकारी उनके लिए बता दूं कि जब इनको आपने ये कोर्स करवाना है तो वो आप उसके बाद तकरीबन 10, जब आपने ये वाला ऑक्साफेक्स देना है तो उसके बाद तकरीबन 10 दिन तक आपने उनकी परपटाई नहीं करनी, उनकी परपटाई 10 से 15 दिन नहीं करनी, जब तक उनको फिर से विटामिन आप ना दे लें और फिर से खुराक अच्छी ना दे दें, क्योंकि ये करने से और आपका कबूतर बहुत वीक हो जाता है, ठीक है। ये एक और भी तरीका है कि जो आपके कबूतर अगर ब्रीडर्स को करना है तो पहले 2 दिन उनको अच्छे से धूप लगाएं, उनकी एनर्जी बहाल हो, फिर उनको जिस दिन धूप में ये 2-2.5 बजे के करीब ये ऑक्साफेक्स दें, ठीक है,
तो उसके बाद ये करवाएं और फिर थोड़ा सा उनको जोड़ों से ये कोशिश करें कि जब ये देना है तो कबूतर आपका जोड़ा ना लगाओ, ठीक है? तो नहीं तो मादी आपको आपकी उसको प्रॉब्लम हो सकती है। ये देखें, ये उनके लिए, बाकी तो नॉर्मल रूटीन में लोगों को पता होता है, मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जो नए हैं, ठीक है? तो ये यूज़ करवाएं, और ये तब यूज़ करवाना है मादियों को स्पेशली कि जब वो अंडों पे ना आई हों, जोड़े पे ना लगी हों, कम से कम 10-15 दिन जोड़ा टूटा हो, फिर ये हो, फिर ये करवाएं, और उसके बाद उनको विटामिन और कैल्शियम भी यूज़ करवाएं ताकि वो फिर से रिदम में आके, और फिर उससे कबूतर आपके माशाल्लाह साइज़ों में बड़े हो जाएंगे जब ये आप करवाते हैं। और वैक्सीन जो करवाते हैं ये ऑक्साफेक्स के बाद, अगर आप ये सही कोर्स करवाते हैं डी वार्मिंग का, तो उसके बाद अगर आप विटामिन और जैसे मैंने मेल्टॉन बताया ये यूज़ करवाते हैं, तो उससे कबूतर का और कबूतरी का साइज़ बहुत बड़ा हो जाएगा। मतलब जैसे आप देखते हैं अक्सर लोगों के कबूतरों के साइज़ बहुत बड़े बड़े होते हैं, वो इसलिए होते हैं कि वो डीवॉर्मिंग के प्रोसेस से 2-4 दफ़ा गुजरे होते हैं और उनकी एज भी तकरीबन इतनी हो जाती है कि वो फिर साइज़ों में बड़े नज़र आते हैं और आप लगता है कि ये कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कबूतर है, ठीक है? वो ऐसा नहीं होता कि वो अपनी एज के लिहाज से अपना स्ट्रक्चर, जब तक कबूतर क्रीच साफ करता है तो वो बड़ा होता रहता है उसकी साइज में, उसकी अच्छी हो, अगर उसको खुराक वही कंटिन्यू मिलती रहे 2-3 साल, तो वो उसका एक शेप कलर बिल्कुल एक डिफरेंट हो जाता है, ठीक है? लेकिन सबसे पहली बड़ी पहचान है कि आपको मेन कबूतर का पता होना चाहिए कि ये कबूतर हैं, कि इनके भी साइज़ बड़े हो सकते हैं, और यही कबूतर होते हैं कि ये जिनके साइज़ बड़े होते हैं। और कई लोग तो वैसे ही कहते हैं नहीं नहीं जो बड़े साइज़ ही हैं वही कबूतर बहुत अच्छे हैं, तो साइज़ तो कोई ऐसा इशू नहीं होता। मेन जो चीज़ें होती हैं वो आपको याद होनी चाहिए, वो पता होनी चाहिए, आपके उस्ताद ने आपको सिखाई होनी चाहिए। अगर वो आपको नहीं सिखा सकता या नहीं बता सकता तो हमारे पास जो जितनी हिम्मत है, और मेरे अलावा मेरे तो मैं तो बहुत कम आता हूँ, और बड़े सारे दोस्त बहुत अच्छा बता रहे हैं, लेकिन उन दोस्तों से भी ये मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि उनको अपनी ओरिजिनलिटी ना बताएं, जो उनको ये बताएं कि मेन कबूतर में क्या चीज़ें होनी चाहिए, रिंग्स का क्या चक्कर होता है, ये आप लोग कलर शलर करके कलरों के बारे में ओरिजिनल बता बता के कि ये आँख का ये कलर होता है। कलर तो यार क्या माइनर चीज़ होती है, वो तो कबूतरबाज खुद ही बनाता है, जब दो ब्रीड है आपस में कॉम्बिनेशन करते हैं तो कलर तो खुद ही क्रिएट हो जाता है। तो वो उनमें मेन बताएंगे कि ये क्या चीज़ें होनी चाहिए जैसे रिजल्ट आए, हाथ ये ना हो कि हली आँखों का कलर ही बन जाए और परों में जान ही ख़त्म हो जाए। तो वो ये एक उन लोगों से ये रिक्वेस्ट है मुझे, मैं कह रहा हूँ कि ताकि वो लोगों को बेहतर सीखने को मिले, के बजाय कि वो पहले एक ब्रीड लेके आएँ, वो उससे डिसअपॉइंटमेंट हो के फिर दूसरी ब्रीड लेके आएँ, फिर तीसरी लेके आएँ। सारी ब्रीडें ये जहन में रखें कि अच्छी होती हैं, कोई भी ब्रीड अगर बुरी होती तो वो पहले जोड़े से ही ख़त्म हो जाता, ठीक है? कुछ लोग कहते हैं जी वो गोल्डन नहीं अच्छे होते, ये जो लोगों ने सेल वाले गोल्डन बनाए होते हैं तो वो तो डेफिनेटली नहीं अच्छे होते, उनकी थीम ही नहीं होती, उनका आँख ही नहीं कुछ होती, तो वो अच्छे किधर से हुए? तो आपको खुद पता होना चाहिए कि जो चीज़ें अच्छी होती हैं उनकी क्या स्पेसिफिकेशन होती हैं, क्योंकि अगर आप आंख के कलर से निकलेंगे ना तो आप अच्छे कबूतर को पहचाना आसान से आसान हो जाएगा आपके लिए। अक्सर लोग कहते होते हैं वो बहुत ही आंख वाले टैडी चाहिए, और वो यरकान आंख वाले भी लोग आजकल ब्रांड में आ गए, वो कहते हैं यरकान आँखें भी टैडी चाहिए। तो आँख से क्या होता है मुझे तो आज तक वैसे समझ नहीं आई, हमें मेरे फादर ने मुझे उन्होंने भी रखे हुए तकरीबन 40 साल हो गया, और मेरी भी जितनी एज ऐसी में गुजरी है, लेकिन आँख का कलर जो लोग ढूंढते रहते हैं मुझे उनकी समझ नहीं आती। तो खैर मैं मेरा आज का लेक्चर तो खैर क्लोज करता हूँ, ठीक है? तो बस आपको आखिरी लास्ट टाटा बाय बाय इनकी करवाता हूँ, आई क्लोजअप थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि आप इनके देख सकें। तो जब आप देखेंगे तो आई होप सो कि आप इंजॉय करें। ये भी बटेरा है, ये भी बटेरा है, ये भी बटेरा है, ये भी बटेरा है, और ये भी बटेरा है। तो इन सब की आंखों के कलर डिफरेंट हैं, ठीक है? तो लेकिन जो पैर पुर्जे होते हैं वो जो सारी चीज़ें होती हैं वो इक्वली होनी चाहिए। अब इसके नाखूनों का साइज ज़रा चेक करें, आपको एक ज़रा शो करवाते हैं।
एक का ये कर लिया आपने, ये मेरा मोस्ट, इनमें से ये जितने आपने कबूतर देखे हैं उनमें से ये मेरा तकरीबन मोस्ट फेवरेट कबूतर है। बड़े स्पेशल घर वाला बटेरा कबूतर है ये देख। ठीक है जी, दिस इज, अब जिन लोगों ने कमेंट किए और रिक्वेस्ट आई थी करने की, तो और जो लोगों ने रिक्वेस्ट भेजी मुझे लाइव आने के लिए उनको मैं एक्सेप्ट नहीं कर सका, तो मैं माजरत, ठीक है, तो नाम लेके मैं सबको टाटा बाय बाय करता हूँ। आई होप सो कि जो जिसको कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं माजरत, मैंने जो कुछ बताया और मैं बताने की कोशिश करता हूँ मैं अपने एक्सपीरियंस से करता हूँ और अपनी समझ से करता हूँ, तो किसी को कोई डिसएग्री करता है तो वो ज़रूर करे। थैंक यू सनी सिद्धू, और ये बड़े प्यारे मेरे भाई हैं सनी सिद्धू, और बड़े अरसे से मेरे साथ ये कोऑपरेट करते हैं और मेरे साथ हैं। कफील मिर्ज़ा जी जोड़े, ये मैं आज कोई जोड़े सेल आउट नहीं करने आया, तो सिर्फ आपको शौक करवाने आया हूँ, तो इंशाल्लाह इसी बहाने आपको बता दूँ कि ब्रीडर पे कबूतरों की एक जल्दी से एक ऑफ़र आएगी इंशाल्लाह, वो 10 के करीब होंगे, तो वो ऑफ़र होगी तो वो मैं आपको बताऊँगा कि वो किस प्राइस में होंगी, गोल्डन का मगर कबूतरों के शायद डिफरेंट नस्लों से भी हों, तो वो एक ऑफ़र में होंगी और मेजॉरिटी उनमें ना रहोंगे, तो मैं बताऊँगा आपको। अच्छा जी ओके, इनाम उल्ला थैंक यू फॉर योर कमेंट, इमरान गुजर थैंक यू अगेन, पिजन रामे, अच्छा पिजन रामे थैंक यू फॉर योर ऑल्सो, थैंक यू सो मच, ठीक है। सैयद अली रजा बार थैंक यू सो मच, एंड अगेन थैंक यू सो मच, काशिफ जट थैंक यू सो मच, कमरान तारिक थैंक यू सो मच, थैंक यू डियर, मंसूर अहमद साहब थैंक यू सो मच, आई होप सो कि जर्मनी में सब ठीक ठाक हो और आप भी उन्हीं में सब ठीक ठाक हो, मैं आप भी बिल्कुल ठीक हूँ, ठीक है। तो अबू सफियान थैंक यू सो मच, दिलशाद अली थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच जी, यू ऑल्सो टेक केयर ब्रो, nice and beautiful, thank you so much, फैसल मोहम्मद फैसल अली, अच्छा मुझे अब ये कबूतर इंशाल्लाह वो देखें कहाँ चढ़ गए, बड़ी जल्दी इंशाल्लाह मुलाकात होगी अल्लाह ने चाहा तो, ठीक है, मेरी तरफ से अपना अपनी फैमिली का अपने कबूतरों का ठीक है बहुत सारा ख्याल रखें, और अपने जो अपने लिए सोचे वो डेफिनेटली किसी के लिए भी सोचें, तो इंशाल्लाह हमारी कबूतरबाजी के साथ हमारी सोसाइटी भी बड़ी जल्दी से अच्छे से ग्रो करेगी, ठीक है, तो अल्लाह हाफिज़।